हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिसिस प्रियंकास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी आलू स्नैक्स। चीज़ी आलू स्नैक्स बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ा बाउल, उसमें 500 ग्राम उबले हुए आलू जो मैंने मैश कर लिए हैं इसको डालेंगे। दो चम्मच गाजर कटी हुई, एक चम्मच लाल शिमला मिर्च, दो चम्मच हरी शिमला मिर्च कटी हुई, एक चम्मच प्याज कटा हुआ, एक चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे एक चम्मच, पिज़्ज़ा सीजनिंग हाफ चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे नमक हाफ चम्मच और काली मिर्च हाफ। मैदा डालेंगे धीरे धीरे एक कटोरी। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मोजरेला चीज डालेंगे दो चम्मच। इसको हाथ से मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह। जो हमारा मैदा रह गया थोड़ा सा वो भी हम धीरे धीरे डाल लेंगे। अब अच्छी तरह इसको हम डो बना लेंगे। अब हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर हाथ से ये चिपकता हो तो आप थोड़ा सा हाथ में घी लगा सकते हैं। इसको 5 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। अब हमारा डो तैयार होकर रेडी है, अच्छे से बन गया है। अब हम इसको हाथ में घी लगाएंगे, पेड़ा लेंगे इसका, बनाएंगे गोल गोल। तो हम बेलन से इसको चौरस बेलेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। देखिए इतने मोटा रखना है, इतने साइज का। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे तो इसको इसके ऊपर डाल देंगे।
हम ढक्कन लगा देंगे, ऊपर से इसको हल्का कवर कर देंगे, सिम पर कर देंगे। 2-3 मिनट लगेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए वाओ, हम साइड चेंज कर अब फिर दोबारा हम ढक देंगे इसको। चलिए देखते हैं। वाओ देखिए कितना क्रिस्पी बना है। अब हम इसी तरह दूसरा बना लेंगे। ये देखिए बनकर रेडी है। इसी तरह हम सारे मटेरियल के बना लेंगे। इसको हम अब सॉस के, टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए मैं कट कर दिखाती हूँ आपको, इसमें चीज़ी, देखिए चीज़ कैसे मेल्ट हो गया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में लगाएंगे। टमाटो सॉस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो क्रिस्पी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी दोबारा फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।